यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। बसंती वो इसलिए कहती है, कुछ फ्रेंड सर्कल भी है कहती है, वो इसलिए बुलाती है कि वो तांगा चलाती थी, रिक्शा चलाती हूँ। वैसे तो 50 है, पर लोग कोई जजमेंट नहीं करते, कहते नहीं इतनी उम्र हो ही नहीं सकती। लिपस्टिक का शौक है मुझे, सन ग्लासेज का शौक है, नौकरी की भी, लेकिन नौकरी करना मुझे अच्छा लगा, टाइम से जाना टाइम से आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे रिक्शे में कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मर्जी चलो जब मर्जी आ जाओ। हिंदी ऑनर्स में बीए किया है, लेकिन घर की परिस्थिति के कारण फाइनल ईयर नहीं हो पाया है। ऐसे हम लोग घूमने जा रहे थे एक दिन, मैं और मेरे हस्बैंड, जब मैंने रिक्शा देखा मेरा मन आ गया कि इस रिक्शे को मैं बड़ी इजीली चला लूँगी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया। फिर लड़के मोबाइल पे बात करते हुए आते हैं और टकरा जाते हैं, और हमारी गाड़ी में 2-4 लाख मार के भी चले जाते हैं। समाज के लोग ठीक नहीं समझते हम औरतों के रिक्शा चला रहे हैं। जहाँ मैं रहती हूँ मेरी पड़ोसियों ने जरूर कहा, वो पड़ोसी बहुत गंदे थे, इसलिए मैंने वहाँ से कमरा भी खाली कर दिया। रिक्शा चलाते रिक्शे के माने क्या क्या करके आती है, लोग कहते हैं कि मैडम आपको घर जल्दी जाना चाहिए, आप इतना लेट रिक्शा मत चलाए। मेरे बेटा मुझसे अलग रहता है, जिसको पसंद नहीं है कि मैं रिक्शा चलाऊँ, वो कहता है रिक्शा बेच कर मम्मी जी कार ले लो, इसमें इज्जत नहीं है। और ये मैं भी सोचती हूँ कि इज्जत तो नहीं है, पर क्या करें, कमाई है, रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार नहीं हमें कहाँ से आएगा, इससे रोजगार नहीं आ जाता है। बेटी मेरी पढ़ने में ठीक है, बाकी ये मेरा रिक्शे चलाने बहुत सहयोग देती है, बहुत अच्छा, कहीं मैं फंसती हूँ तो यही निकालती है, जैसे कि मुझे बैक करना नहीं आता है, बैक मेरा यही करके देती है। अगर कोई उनको कुछ कहता है तो मैं भी मम्मी की उसमें सहायता बढ़ाती हूँ, ताकि मेरी मम्मी चुप ना रहे, उसको उल्टा उसका जवाब दें। मैं तो वैसे आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अब ये कहती है कि मैं टीचर ही बनूँ क्योंकि मेरी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सुधा दीदी से रोड पे मिल करके दोस्ती, एक दूसरे को देख करके खुश हुई। दीदी के साथ जो बातें थी वो बातें की, दीदी ने कहा ये जेंट्स के साथ तो कितनी मुसीबतें आती हैं, ये भी तो ज़िंदगी जीते, हम भी जिएंगे जिंदगी। बड़ी अच्छी बात क्या लगती है आपको? अच्छी बात तो ये लगती है, कहती रीता चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, चल क्या करवाना, चल मैं करवाती हूँ, लेके आ रिक्शा। गलत भी बोलते हैं जिसका दिल कहता है, रिक्शा चलाते कोई भी बोल देता है, आपको और कोई काम नहीं मिला करने को, नहीं किसी को नहीं बताते हैं दीदी कि हम रिक्शा चलाते हैं। अगर के ब्राह्मण समाज से पीहर में जा करके बैठेंगे तो समाज सारा जीने नहीं देगा, इस वजह से हम पीहर भी नहीं जाते। यही चाहती हूँ कि अच्छा स्टेटस हो, घर हो, गाड़ी हो, अच्छे से रहूँ मैं, यही चाहती हूँ। अंदर से खुशी हो कि बैठ के खाना चाहती हूँ, ये सब लोग कमाते हैं, जेंट्स घर में देते हैं कमाई, ऐसे में घर में बैठ के खाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरा बेटा इस समय कुछ नहीं कर रहा है, मेरा हस्बैंड है वो बीमार रहते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए बीमार हो चुके हैं वो, तो मैं अब ऐसा होना मुश्किल है। यही है कि हमारे रिक्शे का ये खड़ी करने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, पार्किंग मेन चाहिए, फ्री लेडीज के लिए तो फ्री होनी चाहिए हर जगह, और लड़के आएंगे तो अच्छा होगा, फिर लोग हमको इतना नहीं बोल पाएंगे। हवाई जहाज चलाती हैं लड़कियाँ, तो ये तो रिक्शा ही चला रही हैं।